आज हम आपको बताएंगे इंडिया के तीन कुख्यात क्रिमिनल्स जिन्हें पुलिस ने पकड़ तो लिया पर उनके बीच का संबंध वो आज तक नहीं समझ पाए हैं। अप्रैल 2017 में केरला के पेरम्बवूर में अमीरुल इस्लाम नामक शख्स ने 29 साल की एक लड़की का निर्दयी तरीके से बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी थी। अमीरुल इतना क्रूर था कि बलात्कार करने के बाद उसने लड़की को जान से मारने के लिए लगभग 30 बार चाकू से भोंगा। दिसंबर 2006 में नोएडा के निठारी में मोनिंदर सिंह पंदेर और उसके नौकर सुरेंदर कोहली को पुलिस ने एक बहुत ही घिनौने अपराध के अंदर गिरफ्तार किया। पंदेर और कोहली ने लगभग 20 मासूम बच्चों का अपहरण और बलात्कार किया था और उसके बाद उनके शरीर के टुकड़े करके नाली में फेंक दिए थे। वीरप्पन लगभग 36 साल तक तमिलनाडु कर्नाटक केरला की सरकारों को परेशान करने वाला एक मुजरिम जिसपे 184 लोगों का कत्ल करने के साथ साथ कई और गंभीर आरोप लगे हुए थे। इन तीनों क्रिमिनल्स के गुनाह करने के तरीके अलग थे, अपने विक्टिम्स को मारने के तरीके अलग थे। सारे मुजरिम थे भी अलग अलग उम्र के, देश के अलग अलग भाग से, लेकिन एक चीज इन तीनों मुजरिमों में कॉमन थी, वो था इनका जानवरों के साथ अतीत। अमीरुल इस्लाम ने उस युवती का बलात्कार करके जान लेने से पहले कई सारे कुत्ते और बकरियों का भी बलात्कार किया था और उनमें से कई सारों को मार भी दिया था। निठारी कांड में शामिल मोनिंदर सिंह पंदेर को जानवरों का शिकार करने का बड़ा शौक था और वीरप्पन एक जाना माना तस्कर था जिसने 500 से भी ज्यादा हाथियों की जान ली थी और ये काम उसने 17 साल की ही कम उम्र से शुरू किया था। अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि इन्हीं मुजरिमों ने जानवरों के साथ भी ऐसे ही व्यवहार किया। जानवरों और इंसानों को हानि पहुंचाने वाले केसेस भारत में हर रोज होते हैं। यूएस की एक 21 साल तक की गई स्टडी के अनुसार जानवरों के साथ क्रूरता करने वाले लोगों में से 70% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने और कई अपराध किए हैं और उन्हीं में से 60% से भी ज्यादा लोगों ने बच्चे, महिलाएं और कई और लोगों पर भी हमले किए थे। टेड बंडी, जेफरी दामेर, डेविड बर्कोविच, ये उन सीरियल किलर्स के नाम हैं जिन्होंने अतीत में जानवरों के साथ भी क्रूरता की थी। और यही चीज को ध्यान में रखते हुए यूएस की सुरक्षा सेवा संस्था FBI भी जानवरों के प्रति क्रूरता करने वाले व्यक्ति को अपने रिकॉर्ड्स पर रखती है और वो ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं ताकि वो और कोई संगीन जुर्म होने से पहले उसे रोक सकें। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि भाई आज जो जानवरों के साथ बुरा है वो कल इंसानों के साथ अच्छा तो नहीं होगा, पर हमारे समाज में क्राइम रोकने में कानून से ज्यादा लोक लाज का महत्व है। बहुत सा क्राइम इसलिए नहीं होता कि लोगों को शर्म आती है क्योंकि कह देगा कि भाई फलाने का लड़का चोर है, डकैत है, बलात्कारी है, पर जब हमें पता ही है कि आज छोटे क्राइम करने वाला कल को बड़े क्राइम करेगा, तो जो आज कुत्तों को पत्थर मारता है, गाय को डंडा मारता है या भूखे जानवर को खाना देने वाले से लड़ता है, उसका भी किसी बड़े क्रिमिनल की तरह ही समाज से बहिष्कार होना चाहिए।